हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम वर्षों से आज की वीडियो हम जो देखने लगे हैं उसका टाइटल है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया। जबान भी फिसल जाती है ऐसे टाइम पे। तो गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के देखते हैं इंडिया के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हिंदुस्तान की कई ऐसी बातें जो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति आकर्षित करती है। यहाँ हम उन्हीं कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश भारत के कायल हैं। भारत की विविधता और एकता पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। प्राचीन इतिहास, विविध संस्कृति, अलग अलग धर्मों और भाषाओं की खूबसूरती ने दुनिया का ध्यान इस देश की ओर खींचा। तो कहीं विशाल समुद्र, तो कहीं ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, कहीं घने जंगल, तो कहीं दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, कहीं मैदानी इलाकों की सुंदरता, तो कहीं चट्टानों का आकर्षण। प्रकृति का ऐसा रंग शायद ही किसी देश में एक साथ देखने को मिले। हिंदुस्तान की कई ऐसी बातें हैं जो पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती हैं। यहाँ हम उन्हीं कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश भारत के कायल हैं। नंबर वन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में दुनिया की 18% आबादी रहती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड वोटों की संख्या लगभग 911 मिलियन के करीब थी। नंबर टू, भाषाओं की सबसे ज्यादा संख्या। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन समय समय पर संशोधन के साथ साथ इसमें भाषाओं की संख्या बढ़ती गई। जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 अन्य भाषाओं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल हैं। नंबर 3 पर हम बात करते हैं शतरंज का आविष्कार। माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में किया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शतरंज भारत में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। भारत से यह खेल फिर अरब और इसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। नंबर 4 पर आता है योग की उत्पत्ति। योग साधना के इतिहास पूर्व वैदिक काल का रहा है और ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले भारत में ही हुई थी। वेदों और उपनिषदों में भी योग का जिक्र मिलता है। भगवान शिव को हिंदू लोक कथाओं में पहला योगी या आदि योगी माना गया है। नंबर 5 पर आता है चार धर्मों की जन्मस्थली। भारत चार धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की जन्मस्थली है। इन धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई। इतना ही नहीं, इन धर्मों का पालन दुनिया की लगभग 25% आबादी भी करती है। माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी। नंबर 6 पर आता है मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत दुनिया के लगभग 70% मसालों का उत्पादक है। जी हाँ, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा लिस्टेड 109 किस्मों में से लगभग 75 मसालों का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देश को मसालों के सबसे बड़े उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में भी जाना जाता है। यह अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश सहित कई देशों को मसालों का निर्यात करता है। नंबर 7 पर आता है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। भारत की फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। जी हाँ, फिल्मों के मामलों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत हर साल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 1500 से लेकर 2000 तक फिल्में बनाता है। नंबर 8 पर आते हैं मस्जिदों की सबसे ज्यादा संख्या। भारत अकेला ऐसा गैर इस्लामिक मुल्क है जहाँ
3 लाख से ज्यादा सक्रिय मस्जिद है। यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों का घर है। कई इस्लामी देशों में भी भारत की तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है। और एक और लास्ट बात करते हैं हम आयुर्वेद की उत्पत्ति। आयुर्वेद की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई। कहा जाता है कि वैदिक युग के दौरान भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर। भारत ने क्या कुछ नहीं दिया यार इस पूरी दुनिया को। भारत समथिंग मिलियन तो सिर्फ मैं कहता हूँ भाई, भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी दुनिया को। अगर भारत ना होता तो कितनी चीजों से लोग महरूम रह जाते, कितनी चीज लोगों को ठीक चीजें भाई मैसर ही ना हो पाती। अभी देखो ये योग की बात होती है ना, 22 मिलियन भाई वोटर्स खाली उन्होंने 222 मिलियन लोगों ने वोट दिए, उनको कैसे अरेंज किया होगा, कैसे उनसे वोट भाई। बहुत तुमने देखा होगा ना कि पूरी इंडिया में एक साथ वोट नहीं होता, कुछ कुछ स्टेट्स में अलग अलग भी होता, अलग अलग यूपी में पहले हो जाता है। हाँ इस तरह भाई इसी तरह अलग हो जाता है। अच्छा फिर उसके बाद तुमने, अच्छा यार मैं इधर मुझे पता था 22 भाषाएं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बीच में नेपाली भी शामिल है। हालांकि नेपाली बहुत ज्यादा इंडिया में बोली, मुझे नहीं लगता नेपाली नेपाली बोली जाती है बॉर्डर के साथ और काफी जगहों पे। मुझे भारत में सच में देखो अब सिंध इधर है, सिंधी भारत में कितनी बोली जाती है, लेकिन वो तो देखो प्राचीन मतलब बहुत जो भी है जो भी है, लेकिन देखो इसी तरह नेपाल भी एक टाइम पे मतलब रहा होगा। इस तरह हर पाकिस्तान का सिंधा हो, पाकिस्तान भी वो है कि भारत एक ही भारत ही था। तो आप अंदाजा तो वो भारत रूट्स तो सारों के उधर से ही है। तो भारत में हर अब देखो उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी ऑफिशियल लखनऊ में मतलब यूपी में इसका ओरिजिनेट हुई है। बिल्कुल आप अंदाजा ये चीजें होती है। डोगरी कश्मीरी मतलब मुख्तलिफ और सारी भाषाएं थी। अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने भारत ने ये बहुत अच्छा काम किया। देखो ये हमें भी करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर सके। देखो भाषा बहुत इम्पोर्टेंट कुछ लोगों के लिए है। भारत ने 22 भाषाएं रखी है अपने बिल्कुल हमारी है, मतलब ऑफिशियल कोई भाषा रखी ही नहीं है भारत ने, और ताकि लोग मतलब लोगों का हर किसी का अपना वो अपना हो, ये भारत की खासियत है भाई। किस तरह अपने लोगों को मतलब जोड़ के रखा है, सही बोला। ये तो असल बात है ना, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, आदि योगी मतलब लॉर्डशिप को बोला जाता है। 5000 साल पहले योगा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में 3 लाख मस्जिदें सिर्फ पड़ी है। हाँ, सबसे ज्यादा इतने किसी मुस्लिम देश में मस्जिद नहीं होगी, काफी सारे मुस्लिम देश हैं जिसमें इस तरह के काफी क्या बहुत सारे देश हैं जिसमें 3 लाख मस्जिदें। आप खुद अभी अंदाजा लगा लो भारत कितना कमाल का कंट्री है, कोई शक नहीं है, सही बोला। आपका गाइस क्या कहना है सारे मामले के ऊपर, कौन सा फैक्ट आपको इसमें पता था, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।